हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार है। करियर पाथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यहाँ पे देखिए। सेना भर्ती रैली जो 28 नवंबर 2019 से 12 दिसंबर 2019 तक चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में चलेगी, ठीक है दोस्तों। जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन करें। यह देखिए यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप इसका आवेदन कीजिए, ठीक है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन खुलने का समय 29 सितंबर 2019 से 12 नवंबर 2019 तक, ठीक है। रैली के लिए प्रवेश पत्र आर्मी वेबसाइट पर 13 नवंबर 2019 के बाद उपलब्ध होंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि रजिस्ट्रेशन खुलने का समय 29 सितंबर 2019 से 12 नवंबर 2019 तक होगा, ठीक है। और उसका एडमिट कार्ड आएगा 13 नवंबर 2019 से उपलब्ध होगा, जो 28 नवंबर 2019 से 12 दिसंबर 2019 तक आपका ये भर्ती है, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरपुर बिहार में है, जिसके लिए ये श्रेणियाँ दिया हुई है। सैनिक समान ड्यूटी, उम्र होना चाहिए 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 तक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लंबाई होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, वजन 50 kg होना चाहिए और छाती 77 होना चाहिए, और उसके बाद से 5 सेंटीमीटर फुला के, ठीक है। उसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, 10वीं कक्षा में 45% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना चाहिए। उसके बाद से ग्रेडिंग प्रणाली वाले बोर्ड से किया है, तो प्रत्येक विषय में कम से कम डी और कुल अंक 45% या C2 या 75 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए सैनिक टेक्नीशियन तकनीकी, जिसका आयु है न्यूनतम 17.5 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 तक उसका जन्म होना चाहिए, उसके बीच में, ठीक है। लंबाई है 169 सेंटीमीटर, वजन 50 kg होना चाहिए, छाती 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान में भौतिक रसायन गणित अंग्रेजी विषयों के साथ कुल योग 50% यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से आइए यहाँ पे सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक या नर्सिंग सहायक वेटरनरी, उसका न्यूनतम आयु वर्ष है 17.5 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, जिसका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में। लंबाई 169 सेंटीमीटर, वजन 50 kg होना चाहिए, छाती 77 सेंटीमीटर, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान में भौतिक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान अंग्रेजी विषयों के साथ कुल योग 50% और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ सैनिक लिपिक या स्टोर कीपर, उसके लिए 17.5 वर्ष होना चाहिए और 23 वर्ष तक, जिसका 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 तक होना चाहिए। लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 50 kg होना चाहिए, छाती 77 और फुला के +5 सेंटीमीटर। 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी वर्ग में, या तो आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स में 60% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित या लेखा शास्त्र बुक कीपिंग विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब सैनिक ट्रेड्समैन, उसमें 10वीं पास होना चाहिए
न्यूनतम उम्र है 17 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष, 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए, लंबाई 169 होना चाहिए, वजन 50 kg होना चाहिए, छाती 77 और फुलाकर +5 cm होना चाहिए, जिसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा में प्रतिशत की बाध्यता नहीं है, जबकि प्रत्येक विषय में 33% अंक होना चाहिए। सैनिक ट्रेड्समैन केवल निम्न श्रेणियों के लिए, कारपेंटर, बारबर, कुक, पेंटर और डेकोरेटर, गैस वेटर, मोची, टेलर, कंजमेर और धोबी के लिए है, ठीक है। ये 8वीं पास होना चाहिए, 17 से 23 वर्ष तक होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 तक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जिसका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर और वजन 50 और आपका छाती होना चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए वहाँ पे, जिसमें 8वीं कक्षा पास हो। 8वीं कक्षा में प्रतिशत की बाध्यता नहीं है, लेकिन 33% होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आदिवासी अभ्यर्थियों को सभी श्रेणियों के लिए कम से कम 162 सेंटीमीटर लंबाई, 48 किलोग्राम वजन, कम से कम 77 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए। आदिवासी अभ्यर्थी जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाए, ठीक है। शारीरिक मापदंड में छूट, ये भूतपूर्व सैनिक युद्ध विधवा, भूतपूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र के लिए 2 सेंटीमीटर लंबाई में छूट है, छाती में 1 सेंटीमीटर है, वजन में 2 kg छूट है। उसके बाद युद्ध विधवा का पुत्र अथवा दामाद, अगर उसका पुत्र नहीं है तो दामाद, सेवारत सैनिक या भूतपूर्व सैनिक कानून का कानूनी गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है, जिसमें लंबाई 2 सेंटीमीटर का छूट है, छाती में 1 सेंटीमीटर का छूट है, वजन में 2 kg का छूट है। श्रेष्ठ खिलाड़ी जिला स्तर पर जिन्होंने 2 साल के भीतर प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल किया हो, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर का छूट है, छाती में 3 का छूट है, वजन 5 का छूट है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाएं ली जाएगी, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है, उसके बाद से बीम होगा, बीम पुल, पुल होगा, अप्स होगा, 9 फीट डिच होगा, जिगजैग बैलेंस होगा। इसमें ग्रुप में दिया हुआ है अंक 60 हो जाएगा, ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड तक आप दौड़ लगाते हैं तो 60 अंक मिलेगा, 5 मिनट 31 सेकंड के बाद आप दौड़ लगाते हैं तो 48 मिलेगा, ठीक है। पुलअप का 10 अंक है और ये 9 अंक है, उसके बाद 9 फीट में पास होना अनिवार्य है, जिगजैग बैलेंस में पास होना अनिवार्य है। निम्न श्रेणी अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में केवल पास होना अनिवार्य है, सोल्जर टेक्निकल, विमानन एवं आयुध परीक्षक, सोल्जर नर्सिंग सहायक, सोल्जर क्लर्क, SKT तकनीकी। शारीरिक मापतौल रैली के स्थान पर होगा, ठीक है, रैली स्थान पर तय मानक के अनुसार चिकित्सा जांच की जाएगी। अनफिट अभ्यर्थियों को सैनिक अस्पताल, कान अस्पताल, बेस अस्पताल में रेफर किया जाएगा। रेफर किया गया अभ्यर्थी 14 दिन के भीतर नामांकित सैनिक अस्पताल या बेस अस्पताल से संबंधित विशेषज्ञ के पास रिपोर्ट करे। यदि अभ्यर्थी फिट हो जाता है तो सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर में लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट करे, ठीक है। समान प्रवेश परीक्षा यानी कि इसके बाद होगा CEE होगा, जिसमें चिकित्सा जांच में फिट अभ्यर्थियों के लिए नामांकित स्थान पर समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्थान, तिथि, समय, रैली स्थान एडमिट कार्ड द्वारा सूचित किया जाएगा। रैली फिट अभ्यर्थियों का CEE एडमिट कार्ड रैली स्थान पर जारी किया जाएगा। रिव्यू फिट अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड विशेषज्ञ अस्पताल द्वारा फिट किए जाने के बाद ही जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ, ठीक है,
शैक्षणिक प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 10वीं 12वीं स्नातक इत्यादि की मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज बोर्ड विश्वविद्यालय से ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद से आपका आवासीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, धर्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है, विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना है, फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है, उसके बाद अविवाहित प्रमाण पत्र लेकर जाना है, रिलेशन प्रमाण पत्र लेकर जाना है जो भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा या युद्ध विधवा के पुत्र जो हैं उनके लिए, एनसीसी में है तो एनसीसी का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, खेलकूद का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र वहाँ पर दिया जाएगा, उसको बनवा के लेकर जाना है नोटरी के द्वारा। आप लोग इसमें जाइए और देखिए, यहाँ पर टैटू के बारे में दिया हुआ है, जो आजकल टैटू लोग छपवाते हैं, बाजू के भीतरी भाग और हथेली के विपरीत हिस्से के पीछे, और एक सभ्य गोदना ही मान है, एक छोटा सा गोदना ही मान है, और जगह होगा तो आपको छाट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में ये बहाली है, चक्कर मैदान। आप ये वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट है 29 सितंबर से 12 नवंबर तक, ठीक है, और आपका बहाली होगी 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक। थैंक यू दोस्तों।